हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G, जी हाँ, काफ़ी लंबा नाम है। अगर आपने ये मोबाइल ख़रीदा होगा तो नाम याद हो गया होगा कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में सिम कैसे डालते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। इसका सिम स्लॉट जो है दोस्तों, लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। इसका सिम स्लॉट नीचे की तरफ है, यहाँ पे जहाँ चार्जिंग कनेक्ट करते हैं उसके लेफ्ट में। राइट साइड में ओनली वॉल्यूम और पावर बटन है। तो चलिए बताता हूँ सिम कैसे डालना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिम इजेक्टर टूल की, जो कि आपको आपके मोबाइल के बॉक्स के साथ ही मिला होगा, जिसमें आपका मोबाइल का बैक कार्ड है या बैक कवर है, उसके ऊपर में जब हम खोलते हैं तो ये सिम इजेक्टिंग टूल मिलती है। ये इस वाली पिन को हम इसको सिम इजेक्टिंग टूल कहते हैं। यहाँ पे जो सिम स्लॉट है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक छोटा सा होल है, उसमें इस पिन को अच्छे से अलाइन करके हल्का सा प्रेस कीजिए। थोड़ा पहली बार हार्ड होगा, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, अलाइन करके देखेंगे सिम इजेक्टिंग टूल जो है वो काम कर जाएगा और ये सिम स्लॉट बाहर आ जाएगा। इसमें आप एक साथ दो सिम डाल सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, देख रहे होंगे आप। तो चलिए, ऊपर में सिम वन है और नीचे की तरफ सिम टू है ये। चलिए अब आपको बताता हूँ कि सिम इसमें कैसे डालना है। ले आता हूँ मैं सिम। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, इसमें नैनो सिम लगता है। नैनो सिम यानी जो सबसे स्मॉल साइज का सिम होता है वो लगता है। आजकल के सारे सिम में ये चीज़ मिल जाती है। आपको सिम का जो कट पोर्शन है उसको अलाइन करना है, जो सिम का जो चिप वाला पोर्शन फेसिंग है वो उसको ऊपर रखना है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कट साइज बना हुआ है, आपको बस उसमें अलाइन कर देना हल्का सा और थोड़ा सा प्रेस कर देना है, वो सिम हो जाए, लॉक हो जाता है, नहीं गिरता है। देख रहे होंगे नहीं गिर रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर आता है। तो इसमें आपको अलाइन करते हुए प्रेस कर देना है। पीछे की ओर जो सिम टू है उसको अगर डालना है तो फिर उसका भी वही सेम तरीका। आप गौर से देखेंगे तो जो सिम का कट पोर्शन है उस पर वो अलाइन करने का दिया हुआ है। आपको सेम जो चिप वाला पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए जो कट पोर्शन है उसमें इस प्रकार से ऐसे अलाइन कर दें और हल्का सा प्रेस कर दें। ये देख रहे होंगे, और ये लग चुका है, अभी ये भी नहीं गिरता है। इसको भी गिराने के लिए आपको निकालने के लिए या तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा या पीछे की ओर इस तरह से पलट के थोड़ा सा फोर्स करें, ये निकलता है। तो चलिए, मैं अभी फ़िलहाल सिम वन में लगाऊंगा, तो सिम वन में लगा लेता हूं और ये हो गया। अब आपको मोबाइल को इस तरह से रखना है और देखेंगे सिम स्लॉट में लिखा हुआ है फेस टू स्क्रीन, यानी इस पोर्शन को स्क्रीन की तरफ रखते हुए आराम से अलाइन करना है, जैसे आपने निकालना था उस होल पे अलाइन करना है और धीरे से प्रेस कर देना है कुछ इस प्रकार से, और ये आपका सिम लग चुका है। चलिए देखते हैं नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे होंगे ये रहा और ये नेटवर्क आ गया है और कुछ मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं नेटवर्क के। गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। Redmi Note 11 Pro Plus 5G से रिलेटेड किसी भी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।